राम लखन हॉस्पिटल के संचालन ने टीबी मरीज को गोद लेकर दिया सम्मान। जी हां, नमस्कार, माधवपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2025 तक टीबी मरीज को मुक्त के लिए हर दिन नए नए प्रयास हो रहे हैं। इसी के तहत उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज हंडिया बंदीपट्टी स्थित श्री राम लखन हॉस्पिटल के संचालन अरुण मिश्रा 5 टीबी मरीज को गोद लिए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी गोद लेने वाले मरीजों को भुना चना, सत्तू, सोयाबीन, गुड़, मूंगफली, बिस्किट आदि खाद्य पदार्थों का पैकेट भी दिया गया। वहीं श्री राम लखन हॉस्पिटल के संचालन अरुण मिश्रा ने कहा कि जब तक मरीज ठीक नहीं हो जाते तब तक उनको पौष्टिक आहार दिया जाएगा। कहा कि इस तरह से मरीजों गोद लेते रहे तो 2025 तक टीबी मरीज मुक्त भारत देश जरूर होगा। वहीं गोद लिए टीबी मरीजों ने कहा कि श्री राम लखन हॉस्पिटल के संचालन जिस तरह से टीबी मरीजों को गोद लेकर पौष्टिक आहार का वितरण किया जा रहा है, इस बात खुशी है कि हम सबका इतना ध्यान दिया जाएगा तो जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा। मैं श्री राम लखन हॉस्पिटल के संचालन को धन्यवाद देते हैं। वहीं राम लखन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से खांसी, बुखार, बलगम या खून आना, रात में पसीना आना, सीने में दर्द का लक्षण हो तो जांच जरूर कराए। खास रिपोर्ट, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से मनीष शुक्ला, हंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। हॉस्पिटल बंदीपट्टी द्वारा सराय पीठा टीएससी द्वारा उन्होंने 5 लोगों का नाम बताया जो कि टीबी की मरीज है। और सरकार द्वारा चलाया गया कि 5 लोगों को आप गोद लीजिए। हम लोग 5 लोगों को राम लखन हॉस्पिटल द्वारा गोद लिए हैं और उनका जो भी मदद हो सकता है हम लोग यथास्थिति करेंगे। ये जड़ावती देवी ट्रस्ट द्वारा जो कि आप लोगों को पता है हमेशा चलाया जाता है, महीने में 1-2 बार ऐसा कार्य किया जाता है और सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है।